नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपके साथ विचार साझा करना चाहूँगा कि जो एक आज एक अजीब सा वाक्य हुआ कि मैं आई वेंट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस देयर, वहाँ पे मैं कैंसर पेशेंट्स से मिला। मैंने देखा उनकी हालत तो बहुत ही दर्दनीय है, बहुत दर्दनाक हालत में थे। उसके बाद एक कुछ दिन पहले मैं कहीं पे किसी हॉस्पिटल में गया था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अंकित डू यू नो कि हमारा पूरा हॉस्पिटल केवल गुटखा और सिगरेट की वजह से चल रहा है। सो देखिए कितनी एक सैड बात है कि डॉक्टर्स वर नॉट, डॉक्टर जो थे वो बहुत इस बात से बहुत उनको परेशान थे वो, कि लोग गुटखे और सिगरेट की वजह से देखिए कहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, ये मुंह कटा हुआ था पूरा, ये जबड़ा बदल दिया, अंदर के तालू हटा दिए थे और पूरा इट्स लाइक ये यहाँ पे पाइप डाल के खाना खिलाया जा रहा था पेशेंट्स को। तो बहुत ही दर्दनाक, इट इज़ वेरी पेनफुल जाके देखना उनको। और एक बच्चा था, ही वॉज, वो केवल 19 साल का था, सिर्फ 19 साल का। और उसके माता पिता ये बात बोल रहे थे कि इसने सिर्फ 6 महीने, ओनली 6 मंथ्स सिगरेट का उपयोग किया और विद इन 3 मंथ्स ही डाइड, मीन्स वहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद तो वो उसकी डेथ हो गई। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं जब उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में जाता था दवाई लेके, तो मैंने उसको अपनी आँखों के सामने जाते हुए देखा। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत बुरा लगा, कुछ कर भी नहीं सकते, लाचार हो गए थे वो। और वो सैड गिल्ट थी उसमें, उस उनकी आँखों में ना, जो लोग इस तरीके से जाते हैं कि सिगरेट या गुटके या शराब की सिरोसिस, लीवर कैंसर की वजह से, उनके अंदर एक गिल्ट की भावना होती है, मतलब एक अफसोस की भावना। जब वो अफसोस की भावना जब आप दूसरे की आँखों में देखते हैं ना, और वो जो 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 आखिरी में कई बार वो ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि काश के मैं उस वक्त उस समय को वापस ले आता और अपने आप से कह सकता कि नहीं मत पी। तो वो जब आप उन बातों को सुनते हैं ना, जब वहाँ पे आप होते हैं उस लम्हे में, उस पल में, तब आप उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। लोग कहते हुए सबको बुरे लगते हैं कि लाइक मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, लेकिन अफसोस हो जाता है, बाद में अफसोस हो जाता है कि शायद कोई होता जो हमें बता पाता, हम किसी से शेयर कर पाते इन चीज़ों को। एक होती है सैडनेस की फीलिंग व्हेन समबडी इज़ डाइंग एंड ही डाइज बिकॉज ऑफ सम डिजीज, दैट इज़ सैड, दैट इज़ फ्रॉम नेचुरल वेज, मतलब एक नॉर्मल तरीके से किसी को भी कैंसर हो सकती है, किसी को भी लीवर सिरोसिस आ सकती है, लीवर फैटी हो सकता है, जो लोग शराब का और सिगरेट का उपयोग नहीं करते, तो वो एक, वो मृत्यु एक भगवान की लिखी हुई कह सकते हैं कि उसके जाने का तरीका यही था। लेकिन आप कुछ अपने हाथ से कुछ ऐसी क्रिएट कर, चीज़ें उत्पन्न कर दें, पैदा कर दें कि आपको फिर उसकी वजह से जाना पड़े, तो वो आखिरी मोमेंट में जब आदमी को अफसोस होता है वो बहुत बुरा होता है। बचिए उस चीज़ से, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, जीवन में खुश रहें, खुशहाली लाएं। बहुत बड़ा है जीवन, इतनी जल्दी इतनी उसको ख़राब मत कीजिए, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू ये आपका अंदर से खोखला बना देती है इंसान को। बहरहाल फिर बाकी बातें बाद में होंगी, अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, सभी मेरे भाइयों।